नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल क्या आपका बच्चा ज्यादा रोता है, क्या उसका बार बार पेट दर्द करता है, क्या उसे भूख नहीं लगती है, या हमेशा आपस से बना रहता है? तो इसको लेकर के आपका बच्चा हमेशा रोता रहता है और आप किसी को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं, तो इसी को लेकर के आज हम आपको इस विधियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप डॉक्टर मनी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बेल आइकन वाला बटन लगा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपके विषय में और बेहतर वीडियो हम लाते रहें। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बोली शान सीरप के बारे में बताने जा रहे हैं कि बोली शान सीरप जो है, यह बच्चों को इतने समय तक दिया जाता है जब उनको हमेशा गैस बनता है, अपच रहता है, पेट खराब रहता है, उनको भूख नहीं लगता है, उनका शरीर बहुत दुबला पतला रहता है, तो उसको लेकर के बच्चा हमेशा रोता रहता है, तो इतने समय यह सीरप डॉक्टर आपको पीने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 0 मंथ से लेकर के 6 मंथ के नीचे तक है, तो इस सीरप को आप लगभग आप 5 बूंद से लेकर के 10 बूंद तक आप अपने बच्चे को दिन में 3 बार पिला सकते हैं, या 6 मंथ से ऊपर है तो उसे 10 से 20 बूंद आप दिन में 3 बार पिला सकते हैं। दोस्तों, क्या रहता है कि बच्चों का जब पेट में गैस बनता है तो उनका पेट जो रहता है वो दर्द करने लगता है। बच्चे तो छोटे रहते हैं, वह आपसे बता नहीं सकते कि मेरा पेट दर्द कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उतने समय अगर बच्चा हमेशा रोता है तो उतने समय आप इस बोली शान सीरप को ला करके अपने बच्चे के पेट की किसी भी समस्या को आप सही कर सकते हैं, चाहे वह अपच हो, गैस बन रहा है, कब्ज बन रहा है, या बार बार पेट दर्द कर रहा है, या हमेशा उसका लूजमोशन होता रहता है, या वो खाना थोड़ा भी नहीं खा सकता है, उसका खाने का मन ही नहीं करता है, तो उतने समय आप इस सीरप को लेकर के आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि उनका बच्चा जो रहता है वो भोजन नहीं करता है, वह साल भर का हो गया, 2 साल का हो गया, तो भी भोजन नहीं करता है, तो उतने समय अगर आपका बच्चा भोजन नहीं करता है, उसका शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला रहता है, वो हमेशा बीमारी से ग्रसित रहेगा। जब वो भूख नहीं लगेगा, वो खाना नहीं खाएगा, तो हमेशा बीमारी से वो ग्रसित रहेगा, तो उतने समय यह सीरप जो रहता है आपके बच्चे का लीवर जो रहता है वह सही कर देता है और खाना पचाने में मदद करता है, क्योंकि यह सीरप जो है यह एक आयुर्वेदिक सीरप है जो कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा इसे बना करके, चाहे वह बीज से या पत्ते के रस से या उसकी जड़ी बूटियों से या उसके दाने से बना करके यह सीरप तैयार किया गया है, जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों द्वारा यह सीरप तैयार किया गया है, जो आप अपने बच्चों को पिला करके उसके पेट की समस्या को आप सही कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को कितना भी खिलाते हैं लेकिन वह दुबला का दुबला रहता है, वह सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है, 2-3 साल तक हो जाता है तब भी वह उससे दुबला रहता है, तो उतने समय इस सीरप को आप लेकर के, अगर वह 6 मंथ से ऊपर है तो उस समय आप लगभग 10 बूंद लेकर के 20 बूंद तक आप इसे साल भर तक आप पिलाते रहिए दिन में 3 बार। अगर साल भर से ऊपर है तो उसे लगभग 30 से 40 दिन तक आप इस सीरप को आप लगातार आप पिलाते रहें। ध्यान रहे कि यह सीरप अगर आप पिला रहे हैं तो आप अपने एक बार नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें, उनसे परामर्श ले लें, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को पिलाएं। अगर आप इस सीरप को आप अपने बच्चे को पिला रहे हैं, डॉक्टर पिलाने की सलाह दे रहा है, तो इस सीरप को आप पिला सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि यह सीरप में कौन कौन से ऐसे जड़ी बूटियों को मिला करके सीरप तैयार किया गया है जो एकदम सारे फायदे होते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां का मिश्रण करके यह सीरप तैयार किया गया है, जैसे गोचूरा हुआ, अमालिका हुआ, पिपली हुआ, ऐसे बहुत सारे कंटेंट मिला करके इस सीरप को तैयार किया गया है, जो आपके बच्चे को पेट की समस्या कोई भी अगर हो रही है हमें सीरप को पिला करके आप अपने बच्चे को रोते हुए बंद करा सकते हैं और आपका बच्चा हमेशा खेलता रहेगा और आप बच्चे को लेकर के परेशान भी नहीं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि यह सीरप कहाँ और कितने रुपए का यह मिलता है और किस कंपनी द्वारा बनाया गया। दोस्तों, यह हिमालय कंपनी द्वारा यह सीरप बनाया गया है, जो आप किसी भी रेस्टोरेंट में इसका स्टोर पर पूरी शान के नाम से आप इस सीरप को लगभग 80 रुपए का 100 ml आप इस सीरप को ले सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि कोई भी दवा अगर आप अपने बच्चे को पिला रहे हैं तो एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले या सलाह ले लें, उसके बाद ही आप कोई दवा पिलाए। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मई चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि आपके और बच्चे ये न करते हैं।